हेलो फ्रेंड, चावला पेन स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं विकास लाइफ के शेयर के बारे में। 3.40 रुपये का आज हाई बनाया, 3.25 का लो, 3.35 रुपये पर क्लोजिंग दिए इस स्टॉक ने। आखिरकार हो क्या रहा, ऊपर जाने नहीं दे रही इस स्टॉक को। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, करोड़ों की नीचे से बाइंग हो रही है दबा के, क्योंकि राइट इशू और QIP का कभी भी अपडेट इस स्टॉक में आ जाएगा। इस वजह से RSI इसका 65 है। और देख लेते हैं और क्या हुआ आज के दिन। 3 करोड़ स्टॉक है जो मार्केट में आज आए थे दोस्तों, 3 करोड़। और जनता ने बोल दिया, 27% लोगों ने बोल दिया भाई सेल को तो कुछ नहीं रखा इस स्टॉक में, वरना सभी लोग अभी भी बाई करने के लिए बोल रहे हैं। BSE की कामकाज की बात करें ना, तो आज 48% माल है लोग घर पे लेके चले गए हैं इस स्टॉक से। NSE की बात करें तो यहाँ पर 2,51,444 लाख का EM ऑर्डर लगा हुआ है भाई, 2-2, 3-3 लाख का है EM ऑर्डर लगा हुआ है कि सबसे पहले यही खरीदेंगे। इंडिकेटर देखिए तो इंडिकेटर में देखो अपोजिटिव 2 बन रही है, वीकनेस 6 है, स्टॉक 2 गई है, पॉजिटिव 9 है, नेगेटिव 12 इस स्टॉक में। शेयर किस जोन में पड़ा हुआ है, शेयर 11 बुलिस है, 5 बेरिस है, मतलब शेयर 11 बुलिस रन है जो शुरू है स्टॉक में। हालांकि जो ऑपरेटर की एंट्री भी हुई थी इसमें 14 और 15 तारीख को ऑपरेटर गेम भी हुआ था, और हाल ही में इसको ऑर्डर भी मिला था, 116 करोड़ का ऑर्डर मिला था, उसके बाद में 1 ऑर्डर और मिला है, तो कंपनी को ऑर्डर भी मिल रहे, बस स्टॉक भाग नहीं रहा। अगर वैसे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, क्वार्टर रिजल्ट की प्रॉफिट लॉस की बात करें, यहाँ पे सेल्स देखो, यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रही है 295 करोड़ से 463 करोड़ हो रही है, एक्सपेंसिव 293 से 451 हो गए है, मतलब सेल्स वगैरह एक्सपेंसिव ये सब है कंपनी का बढ़ रहे है, लेकिन शेयर भाग नहीं रहा है। अगर यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखिए, लगातार इस कंपनी की सेल इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर लगातार सेल्स बढ़ रही है, तो किसी भी कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है तो एक अच्छा संकेत है लॉन्ग टाइम के लिए। और शेयर कैपिटल देखो 144 है यहाँ पर, और अभी ये बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि राइट इशू आया था तो और भी इसको बढ़ा देंगे। रिजर्व कंपनी में 187 करोड़ का पड़ा है, बोरिंग 16 करोड़ का है, अदर लाइब्रेटीज 81 करोड़ की है, फिक्स एसिड 27 करोड़ का है, और यहाँ पर सब कुछ कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। अब देखो कंपनी को ऑर्डर भी मिल रहा है भाई, रिसेंटली में है जो Q4 के बाद में इसको 2 ऑर्डर मिल गए, एक तो जेनरिक गैस सोल्यूशन को ऑर्डर मिल गया है यूरोप में। अब इसका कामकाज शुरू है, रबर वगैरह में रही है कामकाज कर रही है, और इसका प्राइस बैंड है जो वो भी 20 पैसे का है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस बैंड इसका 20 पैसे का है दोस्तों, तो अगर आप लॉन्ग टाइम का नज़रिया रखते हो अच्छा खासा रिटर्न कंपनी निकाल के दे देगी, क्योंकि देखो 2 दिन में तो होने वाला नहीं है। 483 करोड़ की कंपनी है मात्र, अगर 1000 करोड़ की कंपनी भी हो गई तो ज़िंदगी बदल जाएगी। टाइम दो, टाइम देना सीखो। देखो क्वार्टर सेल्स वगैरह हो रही है इसकी कंपनी की, कंपनी में रिजर्व और एसिड बहुत ज़्यादा पड़ा है, टाइम मांग रही है कंपनी, टाइम दे देते हो। एडवांस चार्ट की बात करें तो नीचे से अच्छी खासी बाइंग हो रही है इस कंपनी में, तो आप देखो जब तक कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आता राइट इशू का, QIP का, तब तक ये शेयर ऐसे ही भागेगा। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, 2 दिन के लिए स्टॉक नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक है, लॉन्ग टाइम का नजरिया अच्छा खासा रिटर्न दे देगी, क्योंकि अब नीचे से बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, ऑपरेटर प्रमोटर लोग उठा लेंगे राइट इशू के तहत, क्योंकि 2-2 बार यहाँ पर राइट इशू आया था, जो जितना तक गिरना था गिर गई कंपनी, वो नीचे जाने वाली नहीं है, तो कंपनी यहाँ से बाउंस भी करेगी, तो एवरेज करने का फ्रेश इंडिया का गोल्डन मौका है। बट वीडियो ओनली नॉलेज के लिए, आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों, थैंक यू।